नमस्कार दोस्तों। हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक थोड़ा सा आज अलग होने वाला है। बहुत सारे लोग आप में ऐसे होंगे जो गाने तो बजा लेते हैं बहुत अच्छे, और बहुत अच्छा हारमोनियम या कीबोर्ड भी बजाते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता नहीं पड़ पाती है कि गाना किस राग में है या किस थाट में है ना। तो ये आप जैसे बहुत सारे भाइयों की परेशानी है, मैं समझ सकता हूँ एक म्यूजिशियन होने के नाते। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ ये आपको बहुत मदद देगा, आपको सारी चीज़ों को सीखने में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारे आपके काम के वीडियो मेरे चैनल पर हैं, क्योंकि एक म्यूजिशियन ही म्यूजिशियन का दर्द समझ सकता है। और इसीलिए ये आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी टॉपिक्स जिनसे मैं खुद गुजरता हूँ, जो मैंने खुद फेस किए हैं, उन सभी टॉपिक्स पर मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। क्योंकि दोस्तों, आप किसी को तब ही कुछ अच्छा बता सकते हैं जिन चीज़ों को आप खुद फेस करते हैं, है ना। अगर आपने वो चीज़ें फेस नहीं की हैं तो आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। दोस्तों, आज जो मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ, तो इस टॉपिक में आप खुद अपने आप पहचानने लगेंगे कि किस तरीके से हम कौन सा राग बजा रहे हैं, कौन सा थाट बजा रहे हैं हम, ठीक है। एक गाने से ही आपको पहचान हो जाएगी, केवल गाना बजाइए और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा राग आप बजा रहे हैं, कौन सा थाट आप बजा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारी संगीत पद्धति के अंदर 10 थाट माने गए हैं, जबकि अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे ऐसे राग हैं जो इन 10 थाटों से उत्पन्न नहीं होते। तो उसके विषय में भी मैं टॉपिक बनाऊंगा कि ऐसे कौन कौन से राग हैं जो इन 10 थाटों में समाहित नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों, चलिए देखिए, बहुत ज़्यादा मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, और मैं सबसे पहले देखिए, हमारा जो संगीत पद्धति के अंदर जो हमारे थाट हैं, उनमें एक थाट है हमारा बिलावल, ठीक है। तो दोस्तों, अब देखिए, वन करके हम क्या करेंगे, हम इन थाटों को पहले हम देखेंगे, है ना, कि किस थाट में कौन कौन से नोट लगते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप जैसे कोई भी गाना बजा लेते हैं, है ना, बहुत अच्छे तरीके से आप गाने बजाते हैं, बट आपको रागों की और थाटों की नहीं पता पड़ पाती। तो दोस्तों, आप एक एक चीज़ें नोट कर लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा थाट आता है, वो हमारा थाट आता है बिलावल, है ना। और सबसे पहले दोस्तों, हम इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले थाटों को समझेंगे जहाँ से राग उत्पन्न होते हैं, है ना। जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो फिर हम रागों को भी धीरे धीरे समझने लगेंगे, है ना। दोस्तों, सबसे पहले देखो, मैं आपको थाटों के विषय में बता देता हूँ, फिर रागों की किस तरीके से आपको पहचान होगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके काम की छूट जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, जो हमारा थाट बिलावल है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम इसको अपना सा मान रहे हैं, ठीक है। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, ठीक है। इन स्वरों को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध स्वर, ठीक है। और शुद्ध स्वर हमारे कौन कौन से हैं, सा रे गा
तो दोस्तों ये हमारा थाट बिलावल, जिसमें सारे के सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि एक एक थाट का आपको बारीकी से मैं आपको परिचय दूं। उसके बाद में दोस्तों आप नोट करिएगा थाट खमाज। थाट खमाज के अंदर क्या होता है, और मैं सभी थाटों में इसी को अपना सा मान के चल रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। आप कहीं से बजाएंगे तो उसी को, उसी चाबी को अपना सामान लीजिएगा, है ना, और वहीं से फिर आप उस थाट की काउंटिंग करिएगा, ठीक है। अब थाट खमाज में क्या होता है, ठीक है। तो अब थाट खमाज में दोस्तों क्या होता है, अब शुद्ध नी की जगह पे कोमल नी यूज होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी गाना बजा रहे हैं, कहीं से भी बजा रहे हैं, किसी भी चाबी से, वहां से आप काउंटिंग कर लीजिए। अगर किसी भी गाने के अंदर आपके केवल नी कोमल आ रहा है तो आप सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि वो थाट खमाज का कोई राग है। क्या थाट खमाज का कोई भी राग है ये। अब मेन जड़ पकड़ ली हमने थाट खमाज को, ठीक है। तो अब उसके राग, फिर हम रागों को कैसे समझेंगे वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। तो हमने पहले क्या हुआ, जैसे हमारा नी को बुलाया हमने तुरंत कैप्चर कर लिया कि थाट खमाज है ना। दोस्तों तीसरा जो हमारा थाट आता है वो आता है काफी। थाट काफी में क्या होता है, दो नोट कोमल होते हैं दोस्तों, एक गा और एक नी, ठीक है। जैसे लाइक थाट काफी, अगर आपके किसी भी गाने में बजाते टाइम दो नोट ये कोमल आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि थाट काफी का कोई राग है वो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम थाट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थाट है वो क्या है, वो है हमारा आसावरी। आसावरी थाट के अंदर क्या होता है, गा धा नी, ये तीन नोट कोमल लगते हैं, बाकी सभी के सभी नोट शुद्ध लगते हैं। अब रो देखिए थाट असावरी का, अगर ये तीनों नोट किसी भी गाने में आपके में लग रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो थाट आशावरी का कोई भी राग है, चाहे वो दरबारी हो या एक्स वाई जेड कोई सा भी हो, है ना। अब दोस्तों चौथे नंबर पे मैंने रखा है राग भैरवी को। भैरवी में क्या होता है, रे गा धा नी, ये चार नोट कोमल लगते हैं, इसका आरो अवरो देखिए, ठीक है। अगर ये चारों नोट किसी भी गाने में आपके में लग रहे हैं बजाते टाइम तो आप समझ जाइए कि थाट भैरवी का कोई राग है, चाहे वो राग भैरवी है या कोई दूसरा अन्य राग है। तो इस विषय में ये बड़ा अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो राग रखा है दोस्तों मैंने, छठा राग जो थाट रखा है वो मैंने रखा है भैरव। अगर आपके किसी भी गाने में रे कोमल और धा कोमल ये दो नोट आ रहे हैं तो आप समझें कि वो आपका थाट भैरव का कोई राग है, वो चाहे राग भैरव है, अहीर भैरव है या कोई सा भी है। देखिए आरो अवरो क्या है थाट भैरव का,
ये आपका भैरव हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम थाट कल्याण, जो हमारा मैंने सातवें नंबर पे क्रम में रखा है थाट कल्याण। थाट कल्याण में दोस्तों क्या करना है हमें, मातीब्र, शुद्ध माँ की जगह पे मातीब्र, किसी भी गाने में आपके में मातीब्र और आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि राग ये थाट कल्याण है। और नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा जो थाट है वो मैंने रखा है मारवा। मारवा थाट में दोस्तों क्या होता है, मारवा थाट में हमने क्या रखा है, रे कोमल और मा तीव्र, ये दो नोट कौन कौन से, ठीक है। तो ये अपना राग थाट मारवा। और दोस्तों अब इसमें देखिए नेक्स्ट जो हमारा थाट है वो है हमारा पूर्वी। और पूर्वी थाट में क्या होता है दोस्तों, तीन नोट, रे कोमल, मा तीव्र और धा कोमल, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कैसे बजाना है आपको, ठीक है। ये थाट पूर्वी है ना। और इसके बाद में दोस्तों हमारा जो लास्ट का जो थाट है वो है तोड़ी, ठीक है। तोड़ी थाट में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे नोट कोमल और तीव्र लगेंगे, रे कोमल, गा कोमल, मा तीव्र, धा कोमल, अब क्या लगेगा देखिए, दस थाट दोस्तों आप याद कर लें इन्हें। और दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इसको जो अब राग हैं उन्हें मैं दूसरे पार्ट में भेजूंगा और आप तैयार रहिएगा उस वीडियो के लिए भी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप गानों की पहचान इस तरीके से कर सकते कि कौन से थाट में गाना आपका बज रहा है ना। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को दोस्तों इतना शेयर करिएगा कि बहुत सारे भाइयों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।